नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए चलते हैं अपने चूल्हे के पास जहाँ पे हम बनाते हैं रेसिपी। तो चलिए चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे स्पेशल गुजिया। गुजिया आप लोग बहुत खाए होंगे खोवा की, लेकिन आज हम बिना खोवा वाली गुजिया बनाकर आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी दोस्तों। और वीडियो हमारे आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो गुजिया बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, एक गिलास दूध है, सोट पाउडर, काजू, 8 पीस छोटी इलायची। यहाँ पे हमने खरबूजे का बीज और चिरौजी और किशमिश लिया हुआ है, छुहाड़ा है, पोस्ते का दाना है, नारियल बुरादा, 4 पैकेट पार्ले बिस्किट लिया हुआ है, 300 ग्राम मूंगफली का दाना है, 1 पाव चीनी का भुर्रा लिया हुआ है। यहाँ पे हमने 1 किलो चीनी लिया हुआ है, 500 ग्राम यहाँ पे हमने मैदा लिया हुआ है। मैदे को हमने छन्नी से छान लिया है। तो सबसे पहले आग को हम जलाते हैं। आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, कढ़ाई को हम रखते हैं चूल्हे पर। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली के दाने को कढ़ाई में डालकर इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। मूंगफली के दाने को हम बराबर चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसका छिलका आसान तरीके से उतर जाए। तो इधर हमारी मूंगफली पूरी तरह से हो गई है, आप सब देख सकते हैं। मूंगफली को हम नीचे उतार लेते हैं। मूंगफली को हम ठंडा होने के लिए एक भगोने में रखते हैं, उसको छिलका उतारेंगे। और चूल्हे पे हम रखते हैं भगोना चाशनी बनाने के लिए। चाशनी बनाने के लिए इसमें हम डालते हैं पानी। तो यहाँ हमने भगोने में कम से कम 3 पाव पानी डाला हुआ है चाशनी बनाने के लिए। भगोने में हम डालते हैं 1 किलो चीनी। चीनी को हम अच्छे से गलाते हैं। चीनी को हम बराबर चलाते हुए गला लेंगे। और चाशनी हमें 1 तार की बनानी है गुजिया के लिए। जब तक चाशनी हमारी बन रही है तब तक हम काजू को छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। काजू को हमने कट कर लिया है, अब हम छुहाड़े को भी काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। और जो बीज है छुहाड़े का उसको हम निकाल कर बाहर रख देंगे। तो छुहाड़े को हमने काट लिया है। चलिए चाशनी को देखते हैं कि हुई है कि नहीं। चाशनी हमारी बहुत ही अच्छे से उबल रही है। और चाशनी को हम थोड़ा चेक करते हैं। अभी चाशनी थोड़ा पतली है तो इसे हम 2 मिनट तक और उबालेंगे, थोड़ा गाढ़ी और बनाएंगे। मूंगफली का दाना हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। चलिए इसे मसल कर इसका छिलका हम उतार लेते हैं। और आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से हमने मूंगफली के दाने को भुना हुआ है, छिलका बहुत ही आसान तरीके से उतर रहा है। तो इसी तरह हम दोनों हाथों से मसलते हुए छिलके को हम निकाल देंगे। तो सारे छिलकों को हमने मसलते हुए चुरा दिया है। अब सारे छिलकों को हम अच्छे से साफ कर देते हैं। छिलके को हमने अच्छे से साफ कर दिया है। अब बिस्किट को हम एक भगोने में फाड़कर निकालते हैं गुजिया बनाने के लिए। बिस्कुट को हमने खोल दिया है, अब इसे हम हाथों से तोड़ेंगे। और दोस्तों आज जो है खोवा की गुजिया आप लोग बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हमने जो है मूंगफली के दाने और पार्ले बिस्कुट का गुजिया बनाऊंगी। अगर आपके घर में खोवा नहीं है तो आप इस तरीके से भी गुजिया बना सकते हैं, ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बिस्कुट को हम अच्छे से तोड़ देते हैं। तो बिस्किट को हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया है। यहाँ पे हमने एक लोटा लिया हुआ है, लोटे के पेनी से हम बिस्किट को अच्छे से मैश करेंगे। अब आप इसे जो है खलबट्टे में भी डालकर कूट सकते हैं और सिलबट्टे पर भी। सारे बिस्किट को हमने अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है, पीस लिया है। तो ज़्यादा बारीक हमने नहीं पीसा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े पार्ले बिस्कुट का भी है। तो चलिए चाशनी को हम चेक कर लेते हैं दोबारा। तो देखते हैं हमारी चाशनी हुई है कि नहीं। तो चाशनी को हम हाथों में लगाकर चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए भगोने को हम नीचे उतार लेते हैं। चाशनी को हमने नीचे उतार दिया है। इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से गुजिया का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अब इस पर हम लगाते हैं ढक्कन। मूँगफली के दाने को हम मिक्सर जार में डालकर इसे हम पीस लेंगे। तो 2 बार में इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। मूंगफली के दाने को हमने अच्छे से मिक्सर में डालकर पीस लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकालते हैं।
और आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मूंगफली के दाने को पिसा हुआ है। हम गुजिया का स्टफिंग तैयार करते हैं, तो सबसे पहले चूल्हे पर रखते हैं कढ़ाई और इसमें डालते हैं दूध। तो यहाँ पे हमने छोटी गिलास से एक गिलास दूध लिया हुआ है। दूध को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। दूध को हम पहले उबाल लेते हैं। दूध में हमारे उबाल आ गया है। अब इसमें हम डालते हैं मूंगफली जो हमने मिक्सर में पीसा हुआ है, तो पीसे हुई मूंगफली के दाने को हम कढ़ाई में डाल देंगे। पीसे हुई मूंगफली को अच्छे से हम मिलाते हैं दूध में। दूध को हमने अच्छे से मिला दिया है। तो इधर आप सब देख सकते हैं मूंगफली हमारा एकदम खोवा जैसा लग रहा है। तो अब इसमें हम डालते हैं पीसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी को हम कढ़ाई में डालकर इसे भी अच्छे से मिलाते हैं। चीनी को हमने अच्छे से पिघला दिया है। अब इसमें हम डालते हैं पार्ले बिस्कुट जो हमने पिसा हुआ था, तो इसमें डालकर अच्छे से मिलाते हैं। बिस्किट को हमने अच्छे से मिला दिया है। इसमें हम डालते हैं काजू, छुहाड़ा, सोल्ट पाउडर। तो अब इसमें हम डालते हैं पोस्ते का दाना। इसमें हम डालते हैं किशमिश, चिरौंजी और खरबूज का बीज। अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिलाते हैं। सारे मसाले को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से गुजिया का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो पाउडर को हमने डाल दिया है। पाउडर को हम अच्छे से मिलाते हैं। इलायची पाउडर को हमने अच्छे से मिला दिया है। स्टफिंग हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं। स्टफिंग को हम एक भगोने में रखते हैं। इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है हमारी स्टफिंग से। कढ़ाई को हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे गुजिया बनाने के लिए। गुजिया बनाने के लिए मैदे का हम डो तैयार करेंगे। तो इसमें हम डालते हैं रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल डालने से गुजिया बहुत ही खस्ता बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे हमने 50 ग्राम रिफाइन ऑयल डाला हुआ है। रिफाइन ऑयल को अच्छे से हम मैदे में मिलाते हैं। तो इसे हम अच्छे से सारे मैदों में मिलाते हैं। रिफाइन ऑयल हमने बहुत ही अच्छे से मैदे में मिक्स कर दिया है। आप सब देख सकते हैं कि जो है मुट्ठी बांधने से इस तरह से मैदा हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसमें रिफाइन ऑयल मिलाया हुआ है। तो चलिए पानी डालकर इसे हम अच्छे से सानते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया हुआ है। गुनगुने पानी से हम मैदे को अच्छे से सानेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएँगे और मैदे को हम सानते जाएँगे। तो जितना ज़रूरत था उतना पानी हमने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे गुजिया बनाने के लिए। मैदे को हमने बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है। चलिए 5 मिनट के इसे रखते हैं ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए, बहुत ही अच्छा गुजिया हमारा बनकर तैयार हो। तो चूल्हे पर हम रखते हैं कढ़ाई। इसमें डालते हैं रिफाइन ऑयल और गुजिया बनाना हम शुरू करेंगे। रिफाइन ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। 5 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटाते हैं और आटे को हम देखते हैं। और आप सब देख सकते हैं कि आटा हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, बहुत ही अच्छा गुजिया हमारा बनकर तैयार होगा। तो थोड़ा सा लोई हम काट लेते हैं। तो जितना बड़ा पूड़ी का लोई होता है उतना बड़ा हम चकई बनाएंगे गुजिया बनाने के लिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी चकई बना लेंगे गुजिया बनाने के लिए। तो चकई में हम थोड़ा सा मैदे का आटा लगाएंगे, उसके बाद दोनों हाथों से चकई के थोड़ा बड़ा करेंगे। चलिए गुजिया का हम रोटी बनाना शुरू करते हैं गुजिया बनाने के लिए। रोटी को हमने एकदम पतला और गोल बेला हुआ है। अब चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने गुजिया वाली मशीन लिया हुआ है। तो रोटी को हम बीचों बीच रखेंगे गुजिया वाली मशीन पे। स्टफिंग को हम गुजिया कटनी में इसके बीचों बीच रखेंगे और रोटी के हम चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगाएंगे आधे वाले हिस्से पर। उसके बाद रोटी को हम दूसरी तरफ लाएंगे
और मशीन द्वारा हम इसे दबाते हुए बचे हुए आटे को हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा हमें यहाँ किनारे पे ज़्यादा प्रेस करना है ताकि यह खुले ना। तो अगर आप पानी लगा देंगे तो आपका गुजिया नहीं खुलेगा, बहुत ही अच्छा गुजिया बनकर तैयार होगा। आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से गुजिया बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह हम दूसरी गुजिया भी बनाकर दिखाते हैं। रोटी को हम मशीन पर रखेंगे, स्टफिंग को हम एक पार्ट पे रखेंगे, थोड़ा सा हम इसमें और डालेंगे। इसके चारों तरफ हम पानी लगाएंगे इस तरह से। पानी हम इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा गुजिया खुले ना तेल में फ्राई होते समय। तो इसे हम दबाते हुए बचे हुए मैदे को निकाल देंगे बिल्कुल इसी तरह, और सारा गुजिया हम बना कर रख लेंगे। आप सबको दिखाते हैं कितना अच्छा गुजिया हमारा बना हुआ है। तो गुजिया को हम एक बर्तन में रखते हैं और इसी तरह हम सारा गुजिया बना कर रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी गुजियों को भर कर तैयार कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, चलिए गुजियों को हम फ्राई करते हैं तेल में। और आँच को हमें बिल्कुल धीमी रखना है, तेज आँच रखेंगे तो गुजिया हमारा जल जाएगा। तो गुजियों को हमें धीमी आँच में पकाना है। गुजियों को हम दूसरी तरफ लटते हैं। गुजियों को हमें धीमी आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। गुजिया को हम पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाते हैं। गुजिया हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। गुजिया को हम चाशनी में डालेंगे। गुजिया को हम चाशनी में डुबा देंगे। दूसरी बार फिर हम कढ़ाई में डालते हैं गुजिया, अब इसे भी तेल में फ्राई कर लेते हैं। आंच को हमें धीमी रखना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चाशनी में गुजिया हमारा बहुत ही अच्छे से डूब गई है। गुजिया को हम दूसरी तरफ पलट देते हैं ताकि चाशनी पूरी तरह से सारे गुजिया के अंदर घुस जाए और खाने में हमारी गुजिया टेस्टी हो। दोनों तरफ पलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया है। अब चलिए गुजिया को हम चाशनी में डुबाते हैं। तो इसी तरह हम सारा गुजिया फ्राई करके रख लेंगे। गुजिया हमारा चाशनी बहुत ही अच्छे से सोख रही है। आप सब देख सकते हैं कि जो पहले वाली गुजिया हमने डाला हुआ है तो चाशनी में बिल्कुल डूबी हुई है। अब खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी होगा। आज मैं जिस तरीके से मूंगफली और पार्ले बिस्किट वाली गुजिया बनाना बता रही हूँ तो आप लोग इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर ट्राई करिएगा, क्योंकि यह खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी होता है। आपके पास अगर खोवा नहीं है तो आप इस तरीके से गुजिया बना सकते हैं घर पे। सारी गुजिया को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए सर्व करने के लिए एक थाली में हम गुजिया को निकालते हैं। और आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से गुजिया में चाशनी घुसा हुआ है, खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो एक एक करके गुजिया को हम निकालते हैं। सारे गुजिया को हमने एक थाली में निकाल दिया है। अब ऊपर से हम नारियल के बुरादे से गार्निश करते हैं। गार्निश हमने कर दिया है। होली स्पेशल गुजिया बनकर तैयार है। आज का हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी होली।